नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन पांच खिलाड़ियों को रिटेन कर फ्रेंचाइजियों ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी, हर हाल में डुबो देंगे टीम की नैया। आप दोस्तों कौन से है वो पांच खिलाड़ी, उनके बारे में बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर से देखिएगा। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर एक पर यहाँ पर नाम आता है अंबाती रायडू का। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। पिछला सीजन चेन्नई के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा था। टीम ने अपना सफर पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ख़त्म किया था। CSK 14 में से 4 मैचों में जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में टीम के खराब प्रदर्शन के लिए अंबाती रायडू का हर मैच में फ्लॉप होना भी माना जाता है। रायडू ने पिछले सीजन में 13 मुकाबले में सिर्फ 24 के औसत से 274 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 122 का रहा है। इसके अलावा उन्होंने केवल एक ही अर्धशतक जमाया। रायडू का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में खराब ही रहा। IPL 2021 में उन्होंने 257 रन, 2020 में 359, 2019 में 282 रन बनाए थे, जिसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। ऐसे में खराब फॉर्म से जूझ रहे रायडू को आगामी सीजन के लिए टीम के साथ जोड़े रखने का फैसला एक गलत फैसला साबित हो सकता है। नंबर दो पर वो है दोस्तों मैथ्यू वेड। दोस्तों, IPL के पिछले साल शामिल हुई टीम गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में शानदार खिताबी जीत हासिल की थी। टीम की जीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं थी, लेकिन इस जीत के बाद भी टीम में शामिल मैथ्यू वेड का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पिछले साल उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 15 के औसत से 157 रन बनाए। पूरे सीजन में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं लगा। इसीलिए इससे पहले वेड 2011 में उन्होंने IPL में 3 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए थे। वेड का हालिया T20 प्रदर्शन भी देखें तो कोई खास बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं निकली। ऐसे में दोस्तों, वेड को टीम में शामिल करना एक बड़ा ही हानिकारक फैसला हो सकता है गुजरात टाइटन्स के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी, तो दोस्तों तीसरे नंबर पर नाम आता है सिद्धार्थ कौल का। दोस्तों, इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा 75 लाख की कीमत में खरीदे गए सिद्धार्थ कौल का नाम भी शामिल है। कौल ने पिछले साल के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने केवल एक ही मैच खिलाया, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 43 रन देकर एक भी विकेट हासिल नहीं किया। उनके खराब प्रदर्शन का पता इसी बात से चलता है कि कौल को 3.80 करोड़ की कीमत में हैदराबाद की टीम ने खरीदा था, लेकिन पिछले साल मेगा ऑक्शन में उनको रिलीज किया गया और वो सिर्फ 75 लाख की कीमत में ही बिके। और कौल को लगभग 3 साल से टूर्नामेंट में पूरे मैच खेलने तक का मौका नहीं मिल रहा है और उनका औसत 30 से भी ज़्यादा कर रहा है। ऐसे में आगामी सीजन के लिए भी सिद्धार्थ का फॉर्म खराब ही रहने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में RCB का कॉल को रिटेन करना एक बहुत ही गलत फैसला साबित हो सकता है। लिस्ट में दोस्तों चौथा नाम आता है जोफ्रा आर्चर का। दोस्तों, इंग्लैंड के शानदार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 2018 में राजस्थान की टीम में शामिल किए गए थे और उन्होंने पिछले तीनों ही सीजन में ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन 21 में वो चोट के चलते IPL का हिस्सा नहीं रहे। आर्चर को रिटेन करने का फैसला उनके प्रदर्शन के बजाय उनकी फिटनेस के चलते टीम के लिए गलत साबित हो सकता है। पिछले सीजन में आर्चर को बड़ी बोली लगाकर मुंबई ने अपने साथ जोड़ा, लेकिन वो चोट के चलते टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सके। ऐसे में अगर आर्चर एक बार फिर खराब फिटनेस के चलते IPL 2023 में टीम के साथ नहीं जुड़ सके या बीच टूर्नामेंट में दोबारा छोटे लोग गए, तो फैसला मुंबई के लिए उनकी हार का एक बड़ी वजह साबित हो सकता है। और दोस्तों, बात करें पांचवें नंबर पर, तो पांचवें नंबर पर खिलाड़ी का नाम आता है, वो है वरुण चक्रवर्ती। इस लिस्ट में दोस्तों कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर को भी जगह मिलती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की। वरुण को साल 2019 में कोलकाता ने अपनी टीम में साथ जोड़ा था, तभी से वो कोलकाता के साथ ही जुड़े हैं। साल 2022 में कोलकाता ने उन्हें 8 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर खरीदा था। उन्होंने टीम के साथ जोड़ने की वजह सिर्फ यह थी कि उन्होंने साल 2021 में उन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी के साथ 17 मैचों में 18 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन 2022 में उनके प्रदर्शन को देखे तो उनका स्तर काफ़ी खराब नजर आया। 11 मैचों में केवल 6 विकेट और उनका इकोनॉमी भी 8.51 की रही थी। ऐसे में सुनील नारायण जैसे घातक स्पिनर के साथ वरुण को भी टीम में रिटेन करना समझ से परे है। तो दोस्तों, ये थे वो पांच खिलाड़ी जिनको रिटेन करना उनकी फ्रेंचाइजी के लिए पैरों पर खुलो कुल्हाड़ी मारने वाली बात की जैसा हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।